हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्थ अबून। आज हम लोग द थर्ड लेवल चैप्टर जिसको जैक फिने ने लिखा है उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप। इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट यानी कि हीरो चार्ली 31 ईयर ओल्ड सर्विसमैन है। ये ऑफिस से देर रात तक काम करके लौट रहे हैं। हर दिन के ऑफिस के काम के बर्डन की वजह से वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी वाइफ लुइजा उनका अपार्टमेंट में इंतजार कर रही हैं, उन्हें घर जल्दी जाना चाहिए। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि आज वो सबवे से घर जाएंगे। सबवे का मतलब होता है ट्रेन। वो लोकल ट्रेन यानी कि मेट्रो ट्रेन से घर जाना चाहते हैं क्योंकि ट्रेन इज फास्टर देन द बस। हम लोग आगे देखते हैं कि चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से होते हुए आगे बढ़ते हैं और खो जाते हैं और वो थर्ड लेवल में पहुंच जाते हैं जो कि 1894 की दुनिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि पॉइंट वाइज इसका रिकैप क्या है और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड लेवल चैप्टर जिसको लिखा है जैक फिने ने, बिफोर यू रीड में हमने देखा था, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। क्या आपने कभी कोई ऐसा अनोखा एक्सपीरियंस किया है जो आप दूसरों को बताते हैं और दूसरों को ऐसा लगता है जैसे कि वो घटना घटी ही नहीं, या वो आपका मजाक उड़ा देते हैं, या फिर वो आपकी बातों पर भरोसा नहीं करते। तो जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि इनका मेन पॉइंट क्या देखा था हमने लास्ट क्लास में। प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू, बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली कहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में तीसरा लेवल नहीं है। अगर रेलवे के कर्मचारी, सारे कर्मचारी न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के और हार्टफोर्ड रेल रोड के सभी एक साथ खड़े होकर टाइम टेबल के स्टैक पर कसम खाएं कि हम थर्ड लेवल जैसी कोई दुनिया नहीं जानते, तो भी चार्ली इस बात पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि चार्ली थर्ड लेवल जा चुका है। चार्ली एक बहुत ही ऑब्वियस स्टेप उठाता है। वो अपने साइकाइट्रिस्ट दोस्त के पास जाता है और उनका दोस्त कहता है कि थर्ड लेवल वॉज नथिंग बट अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। थर्ड लेवल कुछ भी नहीं है बल्कि खुली आंखों से देखा जाने वाला एक ड्रीम है, एक सपना है जिससे मन की इच्छा की पूर्ति होती है। वो कहता है यानी कि चार्ली का जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है, मनोवैज्ञानिक है, वो कहता है कि चार्ली अनहैप्पी था और इसीलिए इनसिक्योरिटी, वार, वरी, स्ट्रेस और टेंशन जैसी चीजों से बचने के लिए वो भाग जाता है रियलिटी की दुनिया को छोड़कर एक इमेजिनेशन की दुनिया में। आगे बढ़ते हैं फटाफट। हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा कि चार्ली जो है वो स्टैम्प कलेक्शन का शौक रखता है और इस चैप्टर में तीन लोग ऐसे हैं जिनको स्टैम्प कलेक्शन के शौकीन के रूप में दिखाया गया है। चार्ली, चार्ली के दादाजी और रूजवेल्ट, जो हमारे रूजवेल्ट प्रेसिडेंट हैं, उनको भी फर्स्ट डे कवर करने का शौक था। फर्स्ट डे कवर का मतलब क्या होता है कि किस कोई टीचर, कोई स्टैम्प अगर पहले ही दिन इशू होता है, पहले ही दिन इशू हुए स्टैम्प को अगर कोई कलेक्ट कर लेता है और उसको लिफाफे में डालकर और पोस्ट ऑफिस का मुहर लग जाता है उसमें उस दिन का, तो वो फर्स्ट डे कवर बन जाता है। यानी कि पहले दिन खरीदा हुआ ये टिकट है वो पोस्ट ऑफिस का जो स्टैम्प है, जो मुहर है, वो शो करता है कि ये फर्स्ट डे कवर है क्योंकि उसमें, उस स्टैम्प में डेट लिखा होता है। एनीवे, जो भी हुआ, हमने अभी अभी इस बात का जिक्र किया कि चार्ली जो है लेट नाइट
तक ऑफिस में काम करता है और हरी जल्दीबाजी में वो होता है, वो अपने अपार्टमेंट जाना चाहता है क्योंकि उनकी वाइफ लुइजा अकेली है घर पर और वो जल्दी से जल्दी घर जाना चाहते हैं। चार्ली कोयोन ही 31 ईयर ओल्ड के हैं, उन्होंने टैन गबरडाइन सूट पहना हुआ है और ये मॉडर्न टाइम्स की निशानी है। ये टैन गबरडाइन सूट यानी कि जो थ्री पीस सूट है जो इन्होंने पहन रखा है, ये मॉडर्न टाइम्स के होने की निशानी है और इन्हीं की तरह सूट सारे लोगों ने पहन रखा है। एक दर्जन लोगों के बीच से वो गुजरते हैं और इसी प्रकार का सूट वो पहने हुए हैं। उनकी वाइफ का नाम क्या है? उनकी वाइफ का नाम है लुइजा, जो कि घर पर अकेली हैं और चार्ली जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ आगे बढ़ता है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जिस स्टेशन में मेट्रो ट्रेन चलती है। मेट्रो ट्रेन का मतलब होता है लोकल ट्रेन, यानी कि दो लेवल में ये ट्रेन है। एक लेवल जो कि लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी तय करती है, दूसरा है मेट्रो ट्रेन जो कि शॉर्ट डिस्टेंस लोकल ट्रेन के रूप में मौजूद है। लेकिन चार्ली का कहना है कि मेट्रो ट्रेन के नीचे एक और स्टेशन है जो कि पुराने जमाने की दुनिया है। खैर, हमने देखा था कि चार्ली वेंडरबिल्ट एवेन्यू से स्टेप आगे बढ़ाता हुआ ट्रेन की तरफ आगे बढ़ता है जहां पर 20वीं सदी की गाड़ियां मिलती हैं। वो चार्ली आगे बढ़ता है फिर से और सब अर्बन ट्रेन यानी मेट्रो ट्रेन पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है एक गोल से दरवाजे की तरफ और वहीं पर जाकर वह खो जाता है। चार्ली के लिए खो जाना बहुत ही आसान सी बात थी। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स आया हुआ है लेकिन हर बार उसको न्यू डोरवेज, नए नई सीढ़ियां और नए नए बरामदे दिखाई देते हैं। कभी कभी वो एक टनल देखता है वहां पर जो कि एक मील तक लंबा होता है और ये टनल कभी रूजवेल्ट होटल की तरफ उसे पहुंचाता है और कभी कभी ये जो टनल है 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक के बाहर उन्हें पहुंचाता है। चार्ली को ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल जो है वो पेड़ की तरह बढ़ रहा है, पेड़ यानी कि कोई विशाल काय पेड़ की तरह बढ़ रहा है, एक पेड़ जिसमें नए नए फूल, नई नई पत्तियां, नए नए शाखाएं दिखाई देती हैं। ठीक उसी प्रकार से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में नए नए कॉरिडोर, नए नए सीढ़ियां और लंबी जड़ें जो कि एक टनल के रूप में होती हैं, वो दिखाई देती हैं। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। चार्ली कहता है कि यहां पर एक लंबी सी सुरंग है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, शहर का कोई भी बंदा, और कभी यही सुरंग टाइम्स स्क्वायर ले जाता है, कभी सेंट्रल पार्क ले जाता है, यानी कि एक सुरंग जो है वो अलग अलग दिशा में उसे ले जाता है जो कि पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, यानी कि ये चार्ली का इमेजिनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड मे बी बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल थ्रू द इयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट। बहुत सारे लोग जो हैं वो मॉडर्न टाइम्स में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से आना और जाना करते हैं लेकिन चार्ली की तरह कोई भी आज तक सुरंग में नहीं खोया और ना ही किसी को अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड के पास जाने की जरूरत पड़ी। चार्ली ने इस सुरंग के बारे में कभी भी अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से जिक्र नहीं किया। साइकाइट्रिस्ट का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक, जो हमारे दिमाग का डॉक्टर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉरिडोर आई वॉज इन, जिस कॉरिडोर में, जिस बरामदे से चार्ली आगे बढ़ रहा था वो बरामदा लेफ्ट की तरफ एंगल करता है और आगे चलते हुए चार्ली को लगता है, आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। चार्ली को लगता है कि जिस रास्ते से वो आगे बढ़ रहा है वो रास्ता जो है वो गलत है, लेकिन फिर भी चार्ली आगे बढ़ता जाता है। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ऑन फुट स्टेप। जो कुछ भी चार्ली सुन सकते थे वो था सिर्फ और सिर्फ उनके खुद के
पैरों के चलने की आवाज, यानी उनके खुद के जूतों की आवाज, एंड आई डिडंट पास अ सोल, और चार्ली किसी भी इंसान से होकर नहीं गुजरता। यहां पर सोल का मतलब है इंसान। देन आई हियर दैट शॉट ऑफ फॉलो रोअर, उसके बाद उस सुरंग से आगे बढ़ते हुए चार्ली कहता है कि उन्हें अब अंदर से खोखली सी आवाजें सुनाई देती है, यानी कि हॉलो रोवर दैट मींस ओपन स्पेस, यानी इन आवाजों का साफ मतलब था कि आगे कुछ लोग हैं जो कि बातें कर रहे हैं, ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, अभी वो कॉरिडोर से चल रहे थे, अब वो टनल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो कि लेफ्ट की दिशा की तरफ आगे जाकर रास्ता दिखाता है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, इस टनल को यानी कि सुरंग को पार करते हुए, सुरंग आपने देखा होगा जिससे ट्रेन गुजरती है, ये देखिए यहाँ सुरंग है, सुरंग को पार करते हुए चार्ली जो है आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते ही उसे सीढ़ियां दिखाई देती है, जहां ये सुरंग खत्म होता है वहां पर छोटी छोटी सीढ़ियां दिखाई देती हैं, और सीढ़ियों से आगे बढ़ता हुआ चार्ली जो है वो पहुंच जाता है कहां, और कहीं नहीं बल्कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक पहुंच जाता है, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। इस जगह को देखकर चार्ली को ऐसा लगता है जैसे कि वो वापस सेकेंड लेवल में पहुंच गया है, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉल। लेकिन चार्ली जब गौर से देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जो रूम है यहाँ पर वो छोटे छोटे हैं, सारे सारे कमरे जितने भी हैं वहां पर, जो भी ट्रेन से रिलेटेड कमरे हैं, प्लेटफॉर्म है, सब कुछ छोटा दिखाई देता है, यहाँ तक कि टिकट विंडोज भी हैं वो छोटे दिखाई देते हैं, ट्रेन गेट्स भी बहुत कम दिखाई देते हैं, और इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, सामने बीच में ही इंफॉर्मेशन बूथ था। इंफॉर्मेशन बूथ क्या होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म में, रेलवे स्टेशन में, जहां से हमें सारी सूचनाएं मिलती हैं, यानी कि जिस जगह से हमें ट्रेन के आने जाने का समय सुनाई देता है वो होता है इंफॉर्मेशन बूथ। और इस जगह पर इंफॉर्मेशन बूथ जो था वो वुड का था, यानी लकड़ी का बना हुआ था, एंड ओल्ड लुकिंग, साथ ही साथ ये पूरी तरह से पुराना सा दिखाई दे रहा था, लकड़ी का बना हुआ इंफॉर्मेशन बूथ। इंफॉर्मेशन बूथ हमने बताया कि ट्रेन के आने जाने का समय बताने वाला बूथ यानी कमरा। आगे बढ़ते हैं, एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और उस बूथ में एक आदमी बैठा हुआ था जिसने ग्रीन आई शेड लगाया हुआ था, यानी कि ये वाली शेड, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस बंदे ने जो ग्रीन ग्रीन लगाया हुआ है आंखों के ऊपर, आंखों को रोशनी से बचाने के लिए, या किसी तेज रोशनी से बचाने के लिए इसने पहन रखा है ग्रीन आई शेड। इसे आई शेड कहते हैं जो अपने अपने आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने लगाया हुआ, साथ ही साथ लॉन्ग ब्लैक स्लीव, और उसने लॉन्ग ब्लैक स्लीव पहन रखा। अब ये लॉन्ग ब्लैक स्लीव क्या होता है, ये हाथों को ढकने के लिए इसने ये चीज पहन रखी है, पूरा फुल बाजू का ये स्लीव है जिसको उसने पहन रखा है। साथ ही साथ हम यहां पर देख सकते हैं कि उस इंसान ने लॉन्ग स्लीव प्रोटेक्टर पहना हुआ है, साथ ही साथ लाइट्स वर डिम, वहां जो लाइट थे वो धीरे धीरे फुकुर फुकुर करके जल रहे थे, ये देखिए यहाँ पर लाइट है, और ये लाइट जिस तरह से धीमी धीमी रोशनी दे रहा है उसी तरह से कभी हवा की वजह से ये कम होता है, कभी कभी ज्यादा होता है, उसी को कहते हैं फ्लिकरिंग, लाइट में अप्स एंड डाउन्स आना फ्लिकरिंग कहलाता है, फुकुर फुकुर करना। देन आई सॉ व्हाई
दे वेर ओपन फ्लेम गैस लाइट। तब चार्ली ने महसूस किया कि ये लाइट जो है वो पूरी तरह से हिलडुल क्यों रहे हैं। तो उसको दिखाई देता है कि ये नए जमाने का गैस लाइट नहीं जल रहा है, बल्कि पुराने जमाने का ओपन गैस फ्लेम लाइट है जो कि वहां जल रहा था। और यहाँ पर हवा जिस प्रकार से चलती है उस प्रकार से हवा चल रही थी, तो ये अप्स एंड डाउन्स इस गैस में हो रहे थे, गैस लाइट में हो रहे थे। और इस प्रकार से हमने देखा कि चार्ली जो है थर्ड लेवल की दुनिया में पहुंच गया है। यहाँ पर पुराने जमाने, इस पैराग्राफ में पुराने जमाने की जिस तस्वीर दिखाई देगी, पुराने जमाने की चीजें दिखाई देंगी, हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने पुराने जमाने की चीजों को अपने घरों में देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर वर ब्रास स्पीटल्स ऑन द फ्लोर, जमीन पर जगह जगह पीतल के स्पीटल्स रखे हुए थे। ये स्पीटल्स क्या होते हैं? जैसे आज के जमाने में जो थूकदान होते हैं वो जगह जगह प्लास्टिक के बने होते हैं और तरह तरह के उसमें कारीगरी की होती है, जानवरों के का चेहरा होता है, डायनासोर होता है या फिर हिपोपोटामस, इस तरह की चीजें होती हैं। तो यहाँ पर पुराने जमाने में पीतल के, तांबे के, सोने के, चांदी के लोग शौकीन होते थे, इसलिए यहाँ पर पीतल के लगे हुए हैं क्या, थूकदान। जगह जगह पर थूकदान रखे हुए थे, वो भी पीतल के। आज के जमाने में रखे होंगे तो चोर चोरी करते हुए चूकेगा नहीं। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माय आई, स्टेशन के पास एक जगह लाइट जल रही थी और एक इंसान वह उस लाइट के नीचे खड़ा दिखाई देता है। ए मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, और ये बंदा जो नीचे लाइट के नीचे खड़ा हुआ था उसके हाथों में दिखाई देता है गोल्ड का वॉच, सोने की घड़ी। फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, वो अपने वेस्ट पॉकेट से निकाल रहा था ये सोने की घड़ी। कहाँ है भाई सोने की घड़ी? तो यहाँ देखो, ये है हमारा सोने की घड़ी। पुराने जमाने में सोने चांदी की चीजें ज्यादा यूज किए जाते थे। ये घड़ी है, घड़ी में चैन लगी हुई है, टाइनी लैपल्स भी इनके वेस्ट पॉकेट्स पे लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बंदा था उनकी तरफ चार्ली ने देखा, जिसके हाथ में गोल्ड के वॉच थे उसके वेस्ट पॉकेट में। वेस्ट पॉकेट क्या होता है भाई? ये वेस्ट पॉकेट क्या है? तो यहां पर देखिए आप, वेस्ट पॉकेट ये पॉकेट है, वेस्ट पॉकेट यहां है, ये देखिए वेस्ट पॉकेट, यानी थ्री पीस सूट का अंदर वाला जो भाग है, जो कोट है, उसके उसके पॉकेट में चेन लगी हुई है, यहां चेन बंधी हुई है ताकि कोई चोरी करके खींच के भाग ना सके। तो इसको कहते हैं वेस्ट पॉकेट, और इसी पॉकेट से वो सोने की घड़ी निकालता है और समय देखता है और अपने भवों को सिकोड़ता है। ध्यान दें, हमने कहां तक किया था? यहां तक। वेस्ट पॉकेट से ये आदमी गोल्ड के वॉच निकालता है। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, वो घड़ी के कवर को, यानी घड़ी जो है उसमें ढक्कन लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहां पर ढक्कन लगी हुई है, तो घड़ी में ढक्कन लगी हुई थी, ढक्कन को खोलता है, टाइम देखता है और अपने भवों को सिकोड़ता है। भवों को क्यों सिकोड़ता है? फ्रॉन मतलब भवों को सिकोड़ना। वो घड़ी देखते ही भवों को सिकोड़ता है। हो सकता है वो बंदा स्टेशन में किसी को लेने आया हो और समय से पहले पहुंच गया हो और वेट करते हुए, इंतजार करते हुए थक गया हो, घड़ी देखता है और सोचता है अभी भी इतने टाइम बचे हुए हैं। ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक फोर बटन सूट, उसने डर्बी हैट पहना हुआ है। डर्बी हैट, इस तरह के हैट को डर्बी हैट कहते हैं, आप बड़े रूप में देखिए। डर्बी हैट पहना हुआ है, फोर बटन वाला सूट पहना हुआ है, एक सूट जिसमें चार बटन होते हैं, 1 2 3 4, चार बटन वाले सूट, डर्बी यानी गोल्ड वाली टोपी, और साथ ही साथ उसने बूट पहन रखे हैं। और ये बंदा जो है वो चारों तरफ से दिखाई देता है पुराने जमाने की इंसान की तरह।
देखो लिखा हुआ है ही वोर अ डर्बी हैट, ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक फोर बटन सूट विथ टाइनी लैपल्स। टाइनी लैपल्स क्या होता है, एक चीज और, ये टाइनी लैपल्स क्या होता है, लैपल्स का मतलब होता है ये चीज, ये जो चीज है उसको टाइनी लैपल्स कहते हैं, यानी कि जो सूट का ये क्या बोलते हैं उसको कॉलर है, पीछे से तो होता नहीं था, आगे की ओर लटका हुआ रहता था, इसी को कहते थे टाइनी लैपल्स। तो यहां पर पुराने जमाने के वर्ड्स लिखे हैं, हो सकता है कुछ को कंफ्यूजन हो, इसलिए हमने पिक्चर के साथ हर ये जो चैप्टर है उसको दिखाने की कोशिश की। यहां पर देख सकते हैं आप कि एंड ही हैड अ बिग हैंडल बार मस्ताच, और इस बंदे की बड़ी बड़ी मूछे थी, हैंडल बार मस्ताच। पुराने जमाने में लोगों को मूछे रखने का शौक था, मूछे हो तो लट्ठू लाल जैसी हो वरना ना हो। अमिताभ बच्चन ने किसी फिल्म में डायलॉग कहा था, मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी हो वरना ना हो। ये मूछ आप देख रहे हैं, मूछ बढ़ाने का फैशन था पुराने जमाने में, तरह तरह के दाढ़ी रखने का फैशन था। ये बंदा जो स्टेशन के पास खड़ा था उसके साइकिल के हैंडल के समान मूछे थी, यानी तरह तरह के डिजाइन वाली मूछों वाले इंसान इस स्टेशन पर दिखाई दे रहे थे। यहां पर आप देख सकते हैं मस्टाच का मतलब होता है मूछ, और बिग ब्लैक हैंडल बार, हैंडल साइकिल के हैंडल की तरह। देन आई लुक्ड अराउंड, तब चार्ली कहता है कि मैंने चारों तरफ देखा। क्या देखा भाई चार्ली ने? देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। तब चार्ली ने देखा कि 1890 ईस्वी में जिस प्रकार से लोग कपड़े पहनते थे, जिस प्रकार से लोग मूछे रखते थे, ठीक उसी प्रकार से इस स्टेशन में भी जो लोग हैं उस तरह के मूछे और उसी तरह के कपड़े और उस तरह के सामान यूज कर रहे हैं, सामान यानी कि घड़ी। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, आई नेवर सॉ, चार्ली कहते हैं कि मैंने कभी भी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां, इतने बड़े बड़े साइडबन, साइडबन का मतलब क्या होता है, कलमी, यानी कि दाढ़ी के ठीक ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, चेहरे के ठीक ऊपर वाला हिस्सा, इस हिस्से को कलमी कहा जाता है। कान के ठीक नीचे जो बाल होते हैं उसको साइडबन्स कहते हैं। एंड फैंसी मस्टाचेस, और फैंसी मस्टाचेस यानी कि फैशनदार मूछे कभी भी चार्ली ने मॉडर्न टाइम्स में अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, और इसलिए चार्ली को ये लाइफ बहुत अच्छी लगती है। ये तो हो गई पुरुषों की बात, अब देखते हैं कि जरा पुराने जमाने में महिलाएं किस प्रकार से मॉडर्न थी। मॉडर्न टाइम्स में मॉडर्न होना, और ओल्ड टाइम्स में भी लोग, हमारे जो दादा दादी थे वो मॉडर्न हुआ करते थे। अ वुमन वॉक इन थ्रू द ट्रेन गेट, ट्रेन गेट से आगे बढ़ती हुई एक महिला दिखाई देती है। She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts on the top of her high button shoes. अपने high button shoes के साथ, high button shoes यहां पर आप देख सकते हैं कि इस महिला ने ऊंचे हील वाले जूते पहन रखे हैं, high button, और ये button वाले shoes इसको कहते हैं, ऐसे जूते जो ऊपर तक उठे हुए आधे पैर को ढके, इसको कहते हैं बटन शूज। तो इस महिला ने इस प्रकार के जूते पहन रखे हैं, साथ ही साथ इस महिला ने मटन स्लीव्स पहन के रखे हुए हैं। देखो मटन स्लीव्स किसको कहते हैं, ये महिला आपको दिखाई दे रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि भेड़ के मटन जो आप खाते हैं, भेड़ के जो पैर होते हैं वो आगे से स्लिम होते हैं और पीछे से थोड़े रोवेदार होते हैं, ठीक इस प्रकार के डिजाइन वाले कपड़ों को मटन स्लीव्स कहा जाता है। ये इस तरह के कपड़े डिजाइन वाले पुराने जमाने में बहुत ज्यादा फैशनदार माने जाते थे। तो इस महिला ने क्या क्या पहन रखा है यहाँ पर गौर फरमाएंगे आप लोग फिर से, अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं तो आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो
आप देख सकते हैं कि इस महिला ने क्या क्या पहन रखा है, ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव, हाथों में भेड़ के पैरों की तरह डिजाइन वाला जो टॉप है वो पहन रखा है, साथ ही साथ उसके साथ स्कर्ट पहन रखा है। इस महिला ने भी स्कर्ट पहन रखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कर्ट पहन रखा है टू द टॉप ऑफ अवर हाई शूजेस, अपने हाई शूजेस के साथ इन्होंने पहन रखा है टॉप और स्कर्ट, और उस जमाने के लिए वो मॉडर्न थी। बैक ऑफ हर आउट ऑफ द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, फिर उस महिला के पीछे ट्रेन आ रही थी, उस ट्रेन को चार्ली ने देखा, वो ट्रेन जो है वो एक लोकोमोटिव थी। लोकोमोटिव का मतलब क्या होता है? लोकोमोटिव का मतलब होता है कोयले से चलने वाली ट्रेन। यहाँ पर इस लाइन को हम लोग पढ़ लेते हैं, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल करियर एंड आई लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक एंड देन आई न्यू। चार्ली कहते हैं कि मैंने कोयले से चलने वाली एक ट्रेन देखी और उस ट्रेन की जो बॉगीज थे और जो करियर थे वो पूरी तरह से छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे और कीप की आकृति का बना हुआ था, और इसीलिए इस ट्रेन को देखते ही मैं समझ गया। क्या समझ गया भाई? चार्ली समझ गया कि ये पुराने जमाने की दुनिया है, यहाँ पुराने जमाने के लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे ट्रेन पुराने जमाने में किस प्रकार से चलते थे, ये भाप से चलने वाली ट्रेन है, कोयले से चलने वाली ट्रेन है। आप देख सकते हैं यहाँ धुआं कितना सारा निकल रहा है, ये कीप की आकृति यहाँ पर बनी हुई है, फनल शेप जो बुक में आपका लिखा हुआ है वो चीज यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आइज एंड करियर जो है वो कितने छोटे छोटे हैं। आप देख सकते हैं ये पुराने जमाने की कोयले की चलने वाली ट्रेन है, और इस तरह की ट्रेन को जब चार्ली ने देखा तो उसे समझ में आ गया कि ये 1890 की दुनिया में वो पहुंच चुके हैं। ये 1890 की दुनिया कहाँ मौजूद है? तो ये मौजूद है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, अगर समझ में आ गया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं समझ में आया तो बिंदास कमेंट करके पूछें कि हमें ये चीजें नहीं समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, टू मेक श्योर, चार्ली को समझ में आ गया है कि पुराने जमाने की दुनिया है लेकिन फिर भी श्योर होना चाहते हैं, वो खुद को श्योर करना चाहते हैं कि क्या सच में पुराने जमाने की दुनिया है वो। आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय, एक पेपर बेचने वाला लड़का था जो पेपर बेच रहा था, चार्ली वहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं, एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, पेपर के बंडल वहां पर रखे हुए थे चार्ली के पैरों के नीचे, यानी कि बच्चा जो है वो वहां पर खड़ा था और पेपर नीचे रखे हुए थे, पेपर के बंडलों को वो देखते हैं चार्ली, और उनको नजर आता है कि पेपर का नाम क्या है, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर पुराने जमाने में एग्जिस्ट करता था लेकिन नए जमाने में ये पेपर बंद हो गया था। द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स, मॉडर्न टाइम्स में कई सालों पहले ये द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर पब्लिश होना यानी छपना ही बंद हो गया था, लेकिन फिर भी इस जमाने में ये पेपर यहां मौजूद था और वो पेपर बॉय पेपर बेच रहा था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जो इस पेपर की लीड स्टोरी थी, फ्रंट पेज की स्टोरी थी, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कह रही थी, कुछ छपा हुआ था प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894। चार्ली को याद आता है कि ये पेपर की जो कटिंग है उसने पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल में देखी थी, और इस पेपर में जो डेट लिखा था वो था June 11, 1894। अब चार्ली चूंकि श्योर होना चाहते थे, पेपर को देखकर श्योर हो गए कि ये 1894 की दुनिया है। देखिए चार्ली वही सारी चीजें देख रहा है यहाँ पर इस थर्ड लेवल की दुनिया में जो वो पहले देख चुका था। इस पेपर की कटिंग को भी पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में उसने देखा था, और आज भी
वह देख रहा है द वर्ल्ड नाम का ही न्यूज़पेपर, कोई और न्यूज़पेपर वो नहीं देखता क्योंकि दादाजी के जमाने का ये पेपर है। चार्ली कहता है कि आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज। चार्ली कहता है कि मैं टिकट विंडोज की तरफ आगे बढ़ा, नोइंग दैट हेयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल। चार्ली चाहता था टिकट बॉय से, टिकट मैन से ये पूछना कि क्या यहां पर कोई थर्ड लेवल है। फिर वो सोचता है कि मैं यहां पर टिकट खरीद सकता हूं, दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। लुइजा और मैं यूनाइटेड स्टेट्स में जहां कहीं चाहे वहां घूम सकते हैं इस टिकट विंडो से टिकट खरीद कर। इन द ईयर 1894 की दुनिया में वह घूम सकता था। एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। गेल्सबर्ग इलिनॉइस के दो टिकट चार्ली को चाहिए ताकि वो अपनी वाइफ को पुराने जमाने की दुनिया की सैर करा सके। हैव यू एवर बीन देयर? क्या गेल्सबर्ग इलिनॉइस 1894 की दुनिया में आप कभी गए हैं? चार्ली कहता है कि इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल। अभी भी ये जो टाउन है वो बहुत ही खूबसूरत है, विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। यहां पर अभी भी आपको लकड़ी के पुराने घर दिखाई देते हैं, लकड़ी के बने हुए फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े मैदान, ट्रिमेंडस ट्रीज हूज ब्रांचेस मीट और हेट। यहां पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं जिनकी शाखाएं एक दूसरे से मिलती हुई सी दिखाई देती हैं। सोचिए, इमेजिन कीजिए कि रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ बने हों, पेड़ लगे हों, और पेड़ की जो टहनियां हैं दाएं टहनियां बाएं टहनियों से मैच करके ऊपर से एक छत बनाती हों, तो कितना खूबसूरत नजारा वो लगता है। और बीच से आप गुजर रहे हों तो कितना खूबसूरत ये नजारा है 1894 की दुनिया की। और चार्ली जो है वो बहुत खुश होता है यहां पर पहुंचकर और कहता है कि समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। गर्मी के मौसम में इस जगह में ये जो गर्मी की शाम होती थी वो मॉडर्न टाइम्स की शाम से दो गुनी बड़ी होती थी। एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स। लोग जो है वो अपने अपने लॉन्स में, अपने अपने बागीचों में बैठते थे। मेन स्मोकिंग सिगार, मेन जो थे वहां के वो सिगार स्मोक करते थे। सिगार यानी आज के जमाने में सिगरेट, पुराने जमाने में सिगार होता था, जो लोग जो जेंट्स होते थे, पुरुष होते थे, वो पीते थे। एंड पीपल टॉकिंग क्वाइटली, लोग अपने अपने घरों में से बाहर निकलकर आस पड़ोस के लोगों के साथ झुंड बनाकर बैठते थे और शांति से बातें किया करते थे। वुमेन वेविंग पाम लीव फैंस, जो लेडीज थी वो ताड़ के पत्तों को हाथ में रखकर गर्मी से बचने के उपाय ढूंढती थी। ताड़ के पत्तों का फैन, हाथ से यूज किया जाने वाला फैन, ये देखिए ताड़ के पत्ते से एक फैन जो है वो बना हुआ है, काफी डिजाइनदार। इस तरह के फैन को हाथ में पकड़कर जो लेडीज थी वो सिगार तो नहीं पीती थी लेकिन पंखे से खुद को गर्मी से बचाने की कोशिश में जुटी रहती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहां पर देखा कि जो और लेडीज हैं पाम लीव के फैंस का यूज करते हैं, और साथ ही साथ विथ द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड। जैसे जैसे रात ढलती थी यानी कि शाम होना शुरू होता था, चारों तरफ फायर फ्लाइज यानी जुगनू दिखाई देते थे, उड़ते उड़ते जुगनू, जिसको रात की रानी कहा जाता है, जिनके शरीर में लाइट जलती है, उनको फायर फ्लाइज कहते हैं, रात की रानी कहते हैं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, चारों तरफ जो वातावरण था वो पीसफुल था, शांति से भरा हुआ था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ,
यहाँ पर 1894 की दुनिया है और हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 में 1914 ईस्वी में हुआ था, यानी कि पहला विश्व युद्ध आने में 20 साल की देरी है और दूसरा विश्व युद्ध आने में 40 साल से भी ज्यादा का समय है भविष्य में। यानी कि चार्ली यहाँ पर 20 साल तक चैन की नींद ले सकता है अगर वह यहीं पर रह गया। और वो कहता आई वॉन्टेड टू टिकट्स फॉर डेट, और मैं सुकून से अपनी जिंदगी बिताने के लिए दो टिकट चाहता था। सुकून से वो दो टिकट चाहता है और चाहता है कि वो टिकट को जल्दी से खरीद ले। नेक्स्ट पेज में देखिए द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। जैसे ही चार्ली टिकट विंडोज की तरफ आगे बढ़ता है क्लर्क दिखता है। क्लर्क जो है वो भाड़े को गिन रहा था, यानी जितने टिकट को गिन बेच चुका है उसको काउंट कर रहा था। ही ग्लैंस एट माई फैंसी हैट मैन। चार्ली की तरफ वो देखता है। वो मॉडर्न टाइम्स का इंसान था, मॉडर्न टाइम्स का ये बंदा जो था उसने मॉडर्न तरीके का टोपी लगाया हुआ था जिसमें एक फीता लगा हुआ था। ये क्लर्क जो है चार्ली की तरफ देखता है, उसकी टोपी को घूरता है और उसके बाद वो फिर से अपने काम में लग जाता है। ही फिगर्ड द फेयर, वो फिर से अपने पैसों को गिनने लगता है कि कितने टिकट्स उन्होंने बेचे। एंड ही आई हैड इनफ फॉर टू कोच टिकट। चार्ली कहता है कि मेरे पास इनफ है, यानी कि इतने पैसे हैं जितने पैसों से मैं दो कोच टिकट खरीद सकता हूं, यानी कि वन वे, वो जाने का खरीद सकता है आने का नहीं। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, जब चार्ली कहता है, चार्ली देखता है, चार्ली अपने पैसों को काउंट करता है और क्लर्क की तरफ देखता है। क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी। क्लर्क चार्ली को देख रहा था, चार्ली के पैसों को देख रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स। चार्ली के पैसे क्लर्क के पैसों से बिल्कुल अलग थे। क्लर्क चार्ली के पैसों को देखकर जो गर्दन है उसको नाक की दिशा में हिलाता है और कहता है कि ये कैसे पैसे मुझे दे रहे हो मिस्टर। दैट एंट मनी मिस्टर। एंट का मतलब इज नॉट, पुराने जमाने का वर्ड है। वो कहता है कि दैट इज नॉट मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर नकली पैसे देकर तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो, स्किन मी यानी ठगना, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम यहां से ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे अगर नकली पैसे का इस्तेमाल तुमने किया। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम। चार्ली को समझ में आना कुछ नहीं आता कि वो क्या क्या रहा है। फिर चार्ली कैश ड्रॉअर की तरफ देखता है जिसमें क्लर्क ने पैसे रखे हुए थे। वो देखता है कि ऑफकोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, जो पुराने जमाने की दुनिया है। पुराने जमाने की दुनिया में पुराने जमाने के पैसे दिखाई दे रहे थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउडेज। आज जो पैसे हम यूज करते हैं वो काफी छोटे होते हैं पुराने जमाने के पैसों के मुकाबले में। आप ये देखिए, ये पैसे जो है वो पुराने जमाने के यूएस डॉलर्स हैं और यूनाइटेड स्टेट्स में ये पैसे जो हैं वो चलते हैं। नेशनल बैंक न्यूयॉर्क सिटी में यही पैसे, यही डॉलर जो हैं वो पुराने जमाने में चलते थे। तो चार्ली के पास नए जमाने के पैसे थे, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पैसे थे वो चेंज कर दिए गए थे और बड़े पैसों के जगह पर छोटे पैसे यूज करने लगे लोग। जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत में आए और उन्होंने नोटों को बंद करके नए जमाने के नोट चलाए, 100 के नोट, 500 के नोट, 1000 के नोट, 2000 के नोट। पुराने जमाने के नोट से अगर आप आज कुछ खरीदने चलेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एंड दैट वॉज दैट। और चार्ली जो है पुराने जमाने के जेल में नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके पास नए जमाने के नोट थे
और चूंकि ये पुराना जमाना था, नए जमाने के नोट के बारे में पुराने जमाने के लोग नहीं जानते थे, इसलिए वो नकली समझ लेते हैं और चार्ली वहां से भाग जाता है, वहां से साइड ले लेता है चार्ली। और आई लेव द सेम वे आई केम, आई सपोज, यहां इंपॉर्टेंट लाइन है, चार्ली कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से मैं वापस आ गया। चार्ली क्लर्क के डर से, उसकी धमकी की वजह से थर्ड लेवल से वापस आ जाता है उसी टनल के माध्यम से जिस टनल के माध्यम से सीढ़ी चढ़कर वह नीचे गया था। आई सपोज यूज करता है, उसको लगता है, सपोज मतलब लगना। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, दूसरे दिन लंच का जब समय होता है उनके ऑफिस में, वो चार्ली जो है लंच ना करके चला जाता है अपने बैंक और वहां से ड्रू करता है $300। $300 जो उसके अकाउंट में थे, नियरली ऑल वी हैड, चार्ली और लुइजा के पास सिर्फ और सिर्फ उनके सेविंग अकाउंट में $300 थे। सारे पैसों को वो बाहर निकाल लेता है एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उन पैसों को वो कन्वर्ट करता है पुराने जमाने की पैसों के रूप में। दैट रियली वरीड माय साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड। चार्ली कहता है कि जब मैंने अपने दोस्त को ये बात बताई कि मैंने पुराने जमाने की दुनिया को देखा और मैंने $300 में पुराने जमाने के पैसे खरीदे, तो मेरा जो दोस्त जो कि मनोचिकित्सक था वो रियली में वरीड हो गया, यानी चिंतित हो गया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, आप किसी भी कॉइन डीलर से यानी पैसे आदान प्रदान करने वाले लोग से आप खरीद सकते हैं पुराने जमाने के पैसे, लेकिन नए जमाने के पैसे आपको ज्यादा देना पड़ेगा और पुराने जमाने के पैसे आपको कम मिलेंगे। आप देखते होंगे कि नोट भी फट जाते हैं, तो फटे हुए नोट को भी कम दाम देकर लोग खरीद लेते हैं ताकि उसी नोट से नए नोट छप सके। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं, प्रीमियम चुकाना पड़ता है। माई $300 बॉट लेस देन $200 इन ओल्ड स्टाइल बिल, मेरे $300 के बदले में मुझे 200 से भी कम ओल्ड स्टाइल के पैसे मिले। चार्ली कहता है कि माई $300 बॉट लेस देन $200 इन ओल्ड स्टाइल बिल, $300 के बदले में 200 से भी कम डॉलर मिले, लेकिन फिर भी चार्ली ने इस बात की परवाह नहीं की। बट आई डिडंट केयर बिकॉज एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, क्योंकि वह पुराने जमाने में जाने के लिए पैसे खरीदता है और जो अंडे हैं एक दर्जन वो 13 सेंट्स में मिल जाते हैं, यानी कि पुराने जमाने में लोगों का खर्च कम होता था क्योंकि उस जमाने में चीजें सस्ती हुआ करती थी। बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन चार्ली को कभी भी दोबारा वो कॉरिडोर नहीं मिला जिसके माध्यम से वो थर्ड लेवल की तरफ ग्रैंड सेंट्रल में आगे बढ़ा था। चार्ली को वो लेवल ही नहीं मिलता जिसके माध्यम से वो थर्ड लेवल जाता, वो पुराने जमाने के पैसे जमा कर चुका है, वो अपना माइंड मेकअप कर चुका है और इसीलिए वो बार बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है और बार बार कोशिश करता है, लेकिन फिर भी चार्ली को नहीं मिलते वो रास्ते जो थर्ड लेवल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चार्ली की वाइफ लुइजा वो काफी वरीड है, परेशान हो गई अपने हस्बैंड की हरकतों को देख देख कर। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, चार्ली ने अपने मन की बात अपनी वाइफ लुइजा को बताई और लुइजा जो है वो काफी परेशान हो गई है। एंड डिडंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और उनकी वाइफ जो है चूंकि परेशान हो गई, वो नहीं चाहती कि थर्ड लेवल को चार्ली और ढूंढे। एंड वाइल आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और लुइजा की बात मानकर चार्ली जो है वो थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर देता है। एक बार फिर से देखिए,
कौन नहीं चाहता कि चार्ली थर्ड लेवल को ढूंढे? तो उनकी वाइफ लुइजा नहीं चाहती कि चार्ली थर्ड लेवल को ढूंढे, और लुइजा की बात मानकर कुछ दिन वो ढूंढता रहा, लेकिन जब नहीं मिला अंत में, तो लुइजा की बात मानकर वो छोड़ देता है थर्ड लेवल ढूंढना। थर्ड लेवल ढूंढना छोड़कर वो क्या करता, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। चार्ली कहता है कि मैं वापस अपने टिकट कलेक्शन में जुट गया, जो टेम्पररी रिफ्यूज था, रियलिटी की दुनिया से थोड़ी दिन के देर के लिए सुकून देता था। रियलिटी की दुनिया, जीवन की दुनिया, आज वास्तविक जीवन की दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि हर इंसान जो कि ऑफिस में या कहीं भी काम करता है वह खुश नहीं होता, क्योंकि दुनिया में इतने प्रॉब्लम्स हैं कि खुश नहीं होता, उन्हें मानसिक टेंशन मिलती रहती है। चार्ली भी कुछ टेंशन में था, और टेंशन को दूर करने के लिए कुछ लोग गाना गाते हैं, कुछ डांस करते हैं, कुछ प्लांटेशन करते हैं। चार्ली का काम है स्टैम्प कलेक्शन करना। बट नाउ वी बोथ आर लुकिंग एवरी वीकेंड। चार्ली जो है लुइजा के कहने पर थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर देता है और स्टैम्प कलेक्शन करता है, लेकिन अब चार्ली और लुइजा दोनों मिलकर थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं। कब? एवरी वीकेंड। ये पैराग्राफ इस चैप्टर में, इस बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ली लुइजा के कहने पर थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर देता है, फिर वो स्टैम्प कलेक्शन करता है, और अब चार्ली और लुइजा दोनों मिलकर हर वीकेंड में, हर वीकेंड यानी फ्राइडे सैटरडे और संडे को ये लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं थर्ड लेवल को। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि चार्ली और लुइजा दोनों के पास अब एक सबूत है कि थर्ड लेवल की दुनिया रियलिटी की दुनिया है, ये मौजूद है। चार्ली कहता है कि माय फ्रेंड सैम वेनर डिसअपीयर्ड। मेरा दोस्त जो था वो सैम वेनर, जिसका नाम था, वो डिसअपीयर्ड हो जाता है, वो गायब हो जाता है। Nobody knew where, कोई नहीं जानता कि सैम जो है वो कहां गया है। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन चार्ली कहता है मुझे शक है। क्या शक है भाई? क्योंकि सैम इज अ सिटी बॉय, सैम जो है वो एक शहर का लड़का है, एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गिन्सबर्ग, और मैं चार्ली जो है वो सैम को थर्ड लेवल के गेल्सबर्ग की दुनिया के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहां स्कूल जाया करता था, हम दोनों वहां पर बचपन से स्कूल जाया करते थे, एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। और सैम का जो दोस्त, चार्ली का जो दोस्त है सैम, वो भी कहता है कि बचपन में जब 1894-1890s की दुनिया थी, तो वहां पर जब वो दोनों स्कूल जाते थे तो वहां की आवाज, उस जगह की आवाज उन्हें बहुत पसंद आया करती थी। मॉडर्न टाइम्स में क्या है, गाड़ियां हैं और पोल्यूशन इतना है कि कुछ भी नेचुरल साउंड सुनाई नहीं देते, लेकिन पुराने जमाने में नेचुरल साउंड, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज, नदियों के कलकल की आवाज और हवाओं के सनसनाने की आवाज जो थी वो खींचती थी, वो आकर्षित करती थी बचपन में इनको। तो एक बार फिर से वो बचपन की जिंदगी जीना चाहते थे, कौन? सैम और चार्ली दोनों। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। जब सैम गायब हो गया चार्ली की बात सुनने के बाद कि थर्ड लेवल इस दुनिया में मौजूद है, तो चार्ली को शक हुआ, सस्पेक्ट हुआ कि वो थर्ड लेवल की दुनिया में जाना, यानी सैम जो है चार्ली की बात सुनकर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया होगा, और उसने ढूंढना शुरू किया थर्ड लेवल, और वो थर्ड लेवल के 1894 की दुनिया में पहुंच गया। ये शक है चूंकि सैम जो है वो शहर का लड़का है, उसे गांव की जिंदगी ज्यादा पसंद थी, पुराने जमाने की दुनिया हर शहर के बच्चों को पसंद आती है, और इसीलिए चार्ली को शक है कि सैम कहाँ चला गया है, थर्ड लेवल की दुनिया में। और कब गया? जब चार्ली ने उसे बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल है, और यही ये प्रूव है कि
कि चार्ली और लुइजा दोनों हर वीकेंड में थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं। बिकॉज वन नाइट जब चार्ली एक रात वन नाइट फिशिंग विथ माय स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट आर फर्स्ट डिस्कवरीज। हमने पहले ही सेक्शन में पहले पार्ट में आपको बताया है कि फर्स्ट डे कवर क्या है। चार्ली को फर्स्ट डे कवर करने का शौक है और यही शौक उसके दादाजी को भी था और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भी था। स्टैम्प कलेक्शन चार्ली जो है थर्ड लेवल को ढूंढना बंद करके स्टैम्प कलेक्शन करना शुरू कर देता है और रात के समय में जब स्टैम्प कलेक्शन करना शुरू कर देता है तो उसको एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है, इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, जब कोई नया नया स्टैम्प इश्यू होता है, स्टैम्प कलेक्ट करने के शौकीन जो लोग होते हैं वो कुछ टिकट खरीद लेते हैं अपने पास एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल। जब कोई बंदा जिस दिन पहले दिन का सेल होता है स्टैम्प का, यानी कोई स्टैम्प कोई टिकट नया नया आया टिकट घर में और पहले ही दिन उसको खरीद लिया गया, तो कैसे पता चलेगा कि ये पहले दिन खरीदा गया या फिर अंतिम दिन। तो पहले दिन टिकट को खरीद कर उसको एक इनवेलप में चिपका दिया जाता है, इनवेलप के अंदर ब्लैंक पेज डाल दिया जाता है यानी खाली पेज, और खाली पेज डालकर इनवेलप में खुद से खुद का एड्रेस लिखकर खुद को मेल किया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसमें पोस्ट ऑफिस का मार्क लग सके। और पोस्ट ऑफिस का जो निशान लगता है, जो मुहर लगता है, जो ठप्पा लगता है वहां पर, ये प्रूफ करता है कि उस दिन कौन सा डेट था और डेट ये साबित करता है कि ये फर्स्ट डे कवर है या फिर नहीं, यानी पहले दिन खरीदा गया है या फिर नहीं। द इनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, इसी टिकट चिपके हुए मुहर लगे हुए इनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। दे आर नेवर ओपन, इस बात को भी याद रखिएगा कि फर्स्ट डे कवर जो होते हैं उनको कभी भी ओपन नहीं किया जाता, कभी भी खोला नहीं जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इनवेलप, क्योंकि आप खुद से खुद को मेल करते हैं, खुद से खुद को ये इनवेलप भेजते हैं अपने ही पते पर, तो आपको पता होता है कि आपने इसमें ब्लैंक पेपर डाला हुआ है और इसीलिए इसको कभी खोलते नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट डे कवर होता है, ये शौक से किया जाता है। जो शौकीन होते हैं पहले दिन टिकट खरीदने के वो ये काम करते हैं। द नाइट अमंग माय ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस रात जब मैं अपने पुराने फर्स्ट डे कवर्स को देख रहा था, उन फर्स्ट डे कवर्स के बीच में एक फर्स्ट डे कवर मुझे मिला। I found one that should not been there. ये फर्स्ट डे कवर यहाँ नहीं होना चाहिए था, फिर भी यहाँ पर था। यहाँ नहीं होना चाहिए था यानी चार्ली के फर्स्ट डे कवर में नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो था। चार्ली के फर्स्ट डे कवर में नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये उसका फर्स्ट डे कवर नहीं है, बट देयर इट वॉज, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, ये यहाँ पर इसलिए था क्योंकि किसी ने मेरे दादाजी को मेल किया था। एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग इलिनोइस से किसी ने मेल किया था दादाजी को। हम जानते हैं कि इस चैप्टर में तीन लोगों को शौक है, किने किने आपको पता है, हमने दो तीन बार रिपीट किया है, फिर से बता दूं, चार्ली को, चार्ली के दादाजी को और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को। यानी कि चार्ली के दादाजी का ये फर्स्ट डे कवर है जिसमें गेल्सबर्ग का एड्रेस लिखा हुआ है। That's what the address on the envelope said, and it had been there since July 1894. इसमें डेट भी लिखा हुआ है जुलाई 1894। The postmark showed that, पोस्ट ऑफिस का जो निशान लगता है ये प्रूव करता है यहाँ का डेट कि ये 18 जुलाई 1894 को भेजा गया है। Yet I didn't remember it. चार्ली कहता है कि मुझे तो याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ किया है, यानी ये मेरा नहीं है। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट, यहाँ पर अभी भी स्टैम्प जो है, मुहर जो है, सॉरी टिकट जो है वो 6 सेंट का लगा हुआ है। डल ब्राउन कलर का ये टिकट है विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, 1894 में जो प्रेसिडेंट थे उनका
पिक्चर यहाँ पर बना हुआ है, यानी 1894 से पहले जो थे, चूंकि स्टैम्प है ये, तो पहले के होंगे, एक्स प्रेसिडेंट हैं गार्फिल। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन। साफ सुथरी बात है कि चार्ली का ये फर्स्ट डे कवर नहीं है, ये चार्ली के दादाजी का फर्स्ट डे कवर है, और दादाजी के पास जब आया तो गलती से ये चार्ली के फर्स्ट डे कवर में मिल गया है, ये कलेक्शन हो गया है। आई टुक इट आउट एंड ओपन। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर को कभी खोला नहीं जाता था, लेकिन चार्ली ने क्या किया, इस फर्स्ट डे कवर को खोला, और फर्स्ट डे कवर का ये जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, द पेपर इन साइड वॉज नॉट ब्लैंक, इट रेड। इसमें कुछ लिखा हुआ था और चार्ली ने इसको पढ़ा। क्या लिखा हुआ भाई? तो सबसे पहले एड्रेस लिखा हुआ 941 विलर्ड स्ट्रीट गिल्सबर्ग इलिनॉइस 1894। पुराने जमाने का जो लेटर राइटिंग फॉर्मेट है वहां पर यहाँ एड्रेस और डेट लिखा हुआ है। ये पत्र किसके नाम है भाई? तो चार्ली के नाम। चार्ली कहता है आई गॉट टू विशिंग चार्ली, यानी चार्ली के नाम लिखा ये पत्र है, और लिखने वाले ने लिखा है कि आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं ये आशा कर रहा था कि तुम बिल्कुल सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट, फिर मैंने महसूस करना शुरू किया कि तुम बिल्कुल सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली ये बिल्कुल सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल को ढूंढ लिया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से रह रहा हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट दिल्ली समवन इज प्लेइंग पियानो। दिल्ली के घर के सामने नीचे वाली गली में कोई पियानो बजा रहा है, और मुझे ये पियानो की धुन बहुत अच्छी लगती है। मैं गिल्सबर्ग इलिनॉइस के पुराने जमाने की दुनिया में 2 सप्ताह से रह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम बिल्कुल सही थे। And they were all out on the front porch singing, says Neely home. और सारे लोग जो हैं, वो नीली के घर पर खड़े होकर देख रहे हैं कि वहां पर कुछ लोग जो है porch singing local language में गाना गा रहे हैं। And I am invited over for lemonade. मुझे भी वहां पर invite किया गया है कि मैं वहां पर नींबू पानी पीऊं, जाकर नींबू पानी के लिए invite किया गया है। भारत में लोग चाय के लिए इनवाइट करते हैं लोगों को, यहाँ पर नींबू पानी के लिए इनवाइट किया गया है, नींबू का शरबत। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, इस पत्र में ये भी लिखा है कि तुम लोग भी वापस आ जाओ चार्ली, वापस आ जाओ लुइजा। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल को तब तक ढूंढते रहो जब तक कि तुमको थर्ड लेवल नहीं मिल जाता। इट्स वॉट इट बिलीव, मेरी बात का विश्वास करो, थर्ड लेवल को ढूंढते रहो जब तक कि तुमको थर्ड लेवल नहीं मिल जाता। द नोट इज साइंड सैम, ये पत्र जो अभी अभी हमने पढ़ा जो कि चार्ली के नाम है, वो कहां मिला है? फर्स्ट डे कवर के बीच में। 18 जुलाई का एड्रेस है इसमें, और ये पत्र किसी और ने नहीं, सैम ने लिखा है। सैम कौन है भाई? तो सैम चार्ली का दोस्त था जो कुछ दिनों से गायब हो गया था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, जहां जिस टिकट स्टैम्प के स्टोर में और टिकट घर में और सिक्के वाले स्टोर में जहां मैं जाया करता था, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800। मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि सैम यहां भी आया था, और उसने ओल्ड स्टाइल के पैसे खरीदे, वो भी $800 के। $800 जो उसने अपने पूरी जिंदगी में कमाए थे, सबके क्या खरीद लिए? ओल्ड स्टाइल करेंसी। दैट ought टू सेट हिम इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और इन पैसों से वास्तविक रूप में वो थर्ड लेवल में घास भूसे अनाज के बिजनेस कर सकता है। ही ऑलवेज से दैट What he really wish he could do. वो हमेशा चार्ली से कहा करता था कि मॉडर्न टाइम्स की लाइफ उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, काश वो वह काम कर सकता जिसमें उसको खुशी मिलती, आत्मा की संतुष्टि होती उसकी। And he certainly can't go back to his old business. वास्तविक रूप में
जो सैम वेनर था वो अपने पुराने बिजनेस को तो उस जमाने की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस। गेल्सबर्ग इलिनॉइस की दुनिया में, 1894 की दुनिया में, वो बिल्कुल भी अपने पुराने बिजनेस को नहीं कर सकता था। क्यों, क्या दिक्कत थी पुराने बिजनेस में? क्योंकि सैम वॉज माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड। चार्ली कहता है क्योंकि वो पुराने जमाने की दुनिया में साइकाइट्रिस्ट तो नहीं बन सकता था, क्योंकि साइकाइट्रिस्ट नए जमाने की दुनिया के लोगों के लिए बना हुआ है। मॉडर्न टाइम्स में वॉर है, वरी है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, जिसकी वजह से लोग मनोचिकित्सक को बुलाते हैं, क्योंकि लोग डिप्रेशन में रहते हैं। लेकिन पुराने जमाने के में, दादाजी के जमाने में, कभी भी लोग डिप्रेशन के शिकार नहीं होते थे, क्योंकि वो ऑफिस में काम नहीं किया करते थे और वो अपने घर परिवार में जरूरत के हिसाब से अपना समय दिया करते थे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपके मन में बहुत सारी दुविधा होंगी, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे कि सैम थर्ड लेवल को दोबारा नहीं ढूंढ पाया, लेकिन जो सैम उनका दोस्त है जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है, वो थर्ड लेवल कैसे पहुंच गया 1894 की दुनिया में। कुछ शिक्षकों का कहना है कि वाकई सैम जो है वो थर्ड लेवल पहुंच गया है और चार्ली और लुइजा को भी बुला रहा है, लेकिन मेरा कंक्लूजन ये कहता है कि चार्ली का दोस्त सैम थर्ड लेवल नहीं पहुंचा, बल्कि वो एक साइकाइट्रिस्ट है, एक मनोचिकित्सक है, एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते वो अपनी पढ़ाई को या प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए किसी और काम से कुछ दिन के लिए आउट ऑफ टाउन गया हुआ है। और इसी बीच जब चार्ली सैम से नहीं मिल पाता तो उसको ये लगता है कि सैम जो है वो थर्ड लेवल पहुंच गया है। और जब दादाजी का फर्स्ट डे कवर, पुराने जमाने की डेट वाली, चार्ली खोलता है तो वो उस लेटर में खुद से मनगढ़ंत बातें लिखता है, जिसमें चार्ली और लुइजा दोनों को सैम के द्वारा थर्ड लेवल बुलाया जाता है। तो मेरा यही कहना है कि चार्ली ने उस फर्स्ट डे कवर को खोला, जबकि फर्स्ट डे कवर खोला नहीं जाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने खोला सिर्फ और सिर्फ लुइजा को ये विश्वास दिलाने के लिए कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। सैम की ही बात सिर्फ लुइजा मान सकती है, क्योंकि वह साइकाइट्रिस्ट है और चार्ली का इलाज कर रहा है, और किसी की बात पर वो भरोसा नहीं करेगी। चार्ली अपने मन की बातों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो एक पत्र लिखना कोई भी बड़ी बात नहीं है। और लुइजा को ये पत्र देखकर विश्वास हो गया है कि थर्ड लेवल इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन अगर थर्ड लेवल इस दुनिया में मौजूद है तो जो पत्र है वो आया किस रास्ते से? क्या पोस्टमैन को वो रास्ता मालूम है? अगर पोस्टमैन को रास्ता मालूम है तो पूरी दुनिया को ये रास्ता मालूम होना चाहिए। और इस प्रकार से मैं ये कहती हूँ कि थर्ड लेवल नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट डे कवर दादाजी का फर्स्ट डे कवर था जो टेबल पर चार्ली को पड़ा मिला था, जिसमें वो लुइजा को कन्विंस करने के लिए पत्र लिखता है कि थर्ड लेवल मौजूद है और साइन करता है सैम के नाम से। अगर इस चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार की कोई और दुविधा हो तो प्लीज आप फ्री हैं, कमेंट करके हमसे सवाल जरूर करें। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो और आपको आगे कुछ और भी चैप्टर्स की जानकारी चाहिए तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके इस कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।